हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज़ किचन। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ और आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि आप मसाला डोसा बनाने के लिए मसाला उसकी फिलिंग कैसे बनाएं। मसाला डोसा बनाने के लिए मसाला डोसा में फिलिंग भरने के लिए मसाला कैसे बनाएं। तो ये मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला हुआ था, इसमें राई दाना डाला हुआ, सरसों का दाना डाला हुआ, करी पत्ता डाला हुआ। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, साथ ही दो बड़े प्याज डाल दूँगी। ये मोटे मोटे स्लाइस में कट किए हुए, आप अपनी पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं, इसे चला देंगे। तो ये प्याज थोड़ा सौते हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब इसमें मैं गाजर और शिमला मिर्च डाल दूँ, कभी कट करके आप अपनी पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब फ्री चैनल कोई चार्ज नहीं हमारा। एक मिनट में आप सीखें कि मसाला डोसा के लिए मसाला कैसे आप तैयार करें। इसको थोड़ा भूनते हैं। तो गाजर हमारी भून चुकी है, यहाँ पर बॉइल किए हुए आलू हम डाल देते हैं, इनको चला देंगे अच्छे से। आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर या लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच मैंने सांभर मसाला लिया, इन सबको मिक्स करेंगे। तो आलू मिक्स करके मैंने ये मसाला बना लिया था, 5-6 मिनट इसको भून लिया, अब हरा धनिया डाल दिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री चैनल है, चैनल को ग्रो करना जरूर करें। थैंक यू।